होता क्या है और हमें क्यों ये इसे ये करना है, रिजॉल्व करना है। कि हमारे पास एक क्लास ए है, सभी को स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर दिख रहा है। अच्छा, तो अर्ज्यूम करो कि हमारे पास एक क्लास ए है, ओके, और उसमें हमें क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट है बी का, तो नाउ द इश्यू इज विद दिस ऑब्जेक्ट, ओके, ये जो बी है ये कंटेंट है, मतलब क्या हो रहा है, क्लास ए के अंदर क्लास बी का ऑब्जेक्ट है। Okay, now there are different ways to create this object. So, sir, this is has a sir. The content. So now the problem is के अगर in case के मैं constructor बनाता हूँ, assume करो मैंने क्या किया, class A का constructor बनाया और उसमें मैंने B1 pass किया, okay? And what I am doing this dot B1 is equal to B1. Okay, I am doing it like this. Okay, now the problem comes in. Yeah. इसका मतलब, इसका meaning क्या हो सकता है? कि you are tightly coupling your program. आपने आपके architecture को tightly coupled किया. Means what? कि without creating object of B, जब तक आप object B का object नहीं बनाते हो, तब तक आपका A का object बनाने का कोई मतलब नहीं है. क्योंकि अगर in case आपने समझो कि एक ऑब्जेक्ट पहले बनाने को ट्राई किया तो आपका बी ऑब्जेक्ट नल रहेगा, राइट ना, आपका बी का ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, नल रहेगा। तो नाउ दिस इज द प्रॉब्लम, ये नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे होता है तो इश्यू क्या होगा कि आपने डिपेंडेंसी को टाइटली कपल्ड किया, ओके, नाउ दिस इज वेरी टाइटली कपल्ड। टाइटली कपल्ड का मीनिंग देखो, दो टाइप के सिस्टम होते हैं, एक लूजली कपल्ड और एक टाइटली कपल्ड। रिमेंबर, टाइटली कपल्ड सिस्टम आर यूज ओनली व्हेन We have to restrict the end user. मतलब अगर आपको restrictions add करने हैं, नहीं, आपको पहले A का B का ही object बनाना है, फिर A का, तो आप tightly coupled system use करते हो। अच्छा, ऐसे scenarios कब आते हैं? जब for example banking के लिए, best example is banking. Banking should be tightly coupled. Okay, why? क्योंकि withdrawal और deposit ये दो operation है, अगर समझो कि दोनों simultaneously चल रहे हैं तो हमें टाइटली कपल्ड करना पड़ता है। मींस व्हाट, ये पहले विड्रॉल होने दो फिर डिपॉजिट, या फिर पहले डिपॉजिट होने दो फिर विड्रॉल, ओके। तो टू अवॉइड रेस कंडीशन, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि हमें रेस कंडीशन को रिजॉल्व करने के लिए टाइटली कपल्ड सिस्टम लगते हैं, बट द इशू विथ सर्विसेज इज दैट कि अगर इन अ केस अज्यूम करो कि मैंने मेरा स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन बनाया, नाउ आई हैव क्रिएटेड सम सर्विसेज, ओके, एंड नाउ द प्रॉब्लम इज कि आई वांट टू एक्सेस टू टेबल, देयर आर टू टेबल, एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट, एंड आई वांट टू एक्सेस देम। नाउ इफ यू सी, एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट का जो रिलेशन है वन टू मेनी होगा, राइट ना, इट्स अ वन टू मेनी, वन डिपार्टमेंट कैन हैव मेनी एम्प्लॉय, ओके। तो इसका मीनिंग क्या, वो पता है क्या, ओके, इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपने जब तक डिपार्टमेंट नहीं बनता तब तक आप एम्प्लॉय को ऐड नहीं करोगे, इट्स अ टाइटली कपल्ड सिस्टम, ओके। नाउ इन दिस केस अज्यूम आई वांट टू एक्सेस ओनली एम्प्लॉय, अभी ऐसा हुआ कि मैं एक नया ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर रहा हूँ एंड देर आर नो डिपेंडेंसी, अब तक मैंने डिपार्टमेंट बनाई नहीं, बट आई एम हायरिंग एम्प्लॉय, नाउ वॉट टू डू। अब क्वेश्चन ऐसा है कि अगर मैं डिपार्टमेंट नहीं बनाता हूँ और मैं एम्प्लॉयज को ऐड करता हूँ, बाद में अगर डिपार्टमेंट बनेंगे तो मुझे डेटा अपडेट करना पड़ेगा, ओके। नाउ इट मे पॉसिबल दैट कि कुछ ऐसा सिचुएशन आए कि नहीं यार, मैं डिपार्टमेंट बनाऊंगा ही नहीं, ओके, तो इसका मतलब है कि आप डमी डिपार्टमेंट बना के भी काम नहीं चलेगा। तो दीज आर टाइटली कपल्ड सिस्टम, ओके। सो टू रिजॉल्व दिस देयर इज अ इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, इसको कहते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ओके। सो नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन, अब ये अबव सिचुएशन के लिए सॉल्यूशन क्या है, तो मैं क्या करूंगा, मैं क्लास ए बनाऊंगा। तो सर अपन, अगर अपन एक ऐसा डिफॉल्ट रख दे कंस्ट्रक्टर, जो कोई भी जैसे पब्लिक ए और कोई आर्गुमेंट ना ले, तो फिर सर ए क्लास का बन जाएगा ना ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज कर लेगा। द क्वेश्चन इज नॉट विद ए ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन क्या है कि बी का ऑब्जेक्ट नल रहेगा ना आपका। नहीं तो अगर अपन ने एक डिफॉल्ट बना दिया कंस्ट्रक्टर,
तो वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से अपन ए को ऑब्जेक्ट बना लेंगे बी को ऑब्जेक्ट बनाए बगैर। नहीं इशू कैसा है सर, क्या मुझे बी का ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए? मतलब आप टाइटली कपल्ड? नो, इट इज नॉट टाइटली कपल्ड। टाइटली कपल्ड का मीनिंग क्या हुआ, ए के बगैर बी का ऑब्जेक्ट है, बी को बगैर मैं ए का ऑब्जेक्ट नहीं बना। हाँ राइट, टाइटली कपल्ड हो गया। तो अभी अभी अपना यूज केस क्या है फिर, अभी अभी अपन क्या अचीव कर रहे हैं? हम क्या करेंगे, यहाँ पे अलग अलग ये है, मतलब आप कह सकते हो कि देर आर डिफरेंट वेज टू हैंडल दिस डिपेंडेंसी। ओके तो मैं एक सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ, फिर हम उसके बाद में देखेंगे कि ये टाइप्स क्या है, ये अलग अलग टाइप क्या है। ओके देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ, मतलब कैसे आप क्या कैसे हैंडल करोगे, क्या करोगे, इसके बहुत सारे अलग अलग तरीके। तो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। तो व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट अ मेथड पब्लिक वॉइड सेट बी, इफ मेथड बी का ऑब्जेक्ट पास करो। नाउ व्हाट आई विल से, दिस डॉट बी वन इज इक्वल टू बी वन। ओके नाउ दिस इज, अब अगर देखोगे तो मेरा सिस्टम लूजली कपल्ड है। क्यों? क्योंकि मैं ए का ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ पहले, उसके बाद में बी का ऑब्जेक्ट सेट कर। मतलब सर जो जो काम कंस्ट्रक्टर से करवाने वाले हैं उसके लिए मेथड बना दो, आप ये बोल रहे हो? सर वो क्लास, ये सर ये क्लास ए के बाजू लिख दो ना सोल्यूशन वन कमेंट लगा के, हाँ यहाँ पर ताकि मालूम पड़ जाए, कमेंट लगा के। ओके सर, यस वेरी गुड। आप क्या करोगे, समझो ये मेरा बी का ऑब्जेक्ट है। ओके तो आप क्या करोगे, बी वन इज इक्वल टू न्यू बी, आप कंस्ट्रक्टर में डायरेक्टली ऑब्जेक्ट बना। तो दिस इज द सॉल्यूशन टू। ओके तो इंस्टेड ऑफ पासिंग एन ऑब्जेक्ट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई मीन टू से कि आप देखो पहला प्रॉब्लम को देखो, आप क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे ए का ऑब्जेक्ट बना ही नहीं सकता जब तक बी का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। अगर मैंने बना लिया तो फिर मेरा बी का ऑब्जेक्ट नल हो गया। अब इसका सॉल्यूशन, पहला सॉल्यूशन क्या था कि आप क्या करो, एक सेटर मेथड लिखो जहाँ पे B को सेट करो, मतलब A का ऑब्जेक्ट बन जाएगा एंड देन B का ऑब्जेक्ट को सेट करो। ओके एंड नाउ द सेकंड सॉल्यूशन इज कि आप A का कंस्ट्रक्टर रहने दो, लेकिन आप जब कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज करोगे तो वहां पे B का ऑब्जेक्ट बना दो। तो दिस इज आल्सो अ सॉल्यूशन। सर सॉल्यूशन सर आपने सॉल्यूशन 1 में आपने B1 नहीं बनाया क्लास में। अच्छा देखिए, सॉल्यूशन कहते हैं सेटर इंजेक्शन। ये हो गया सेटर इंजेक्शन, सेटर इंजेक्शन, और ये हो गया कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। अच्छा इसको कहते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन। डिपेंडेंसी इंजेक्शन का मतलब क्या, जो ऑब्जेक्ट डिपेंडेंट थे आपने उनको सॉल्व किया, लेकिन कैसे सॉल्व किया, बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड। आप या तो सेटर इंजेक्शन फॉलो करो या तो आप कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन फॉलो करो। ओके डिपेंड्स ऑन। ओके सो एनी डाउट इन दिस, किसी को डाउट है इसमें, एनीबॉडी? सर हैज अ इज ऑफ टू टाइप्स ना, वीक और स्ट्रांग, है ना? हां राइट। तो ये जो सॉल्यूशन 2 है ये वीक है ना? अलाउ किया, समझो मैंने ये अलाउ किया,
तो हो सकता है कि यूजर ने बी का ऑब्जेक्ट सेट ही नहीं किया। हाँ हाँ आर यू गेटिंग, समझे ना आपने? मतलब अगर समझो कि मैंने बी ए का ऑब्जेक्ट तो बना लिया बट अभी बी का ऑब्जेक्ट सेट करना है। हाँ हाँ। और सेट करने के टाइम पे उसने सेट ही नहीं किया तो आप वो ऑपरेशन एक्सेस करेगा तो उसका ऑपरेशन फेल हो जाए। तो उसको ऑपरेशन और उसको ऑपरेशन एक्सेस करने से पहले सेट बी करना पड़ेगा, कंट्री करना पड़ेगा। क्यों? ये बी पे डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी करेक्ट। सर मतलब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से किया तो लूजली कपल्ड और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से किया तो टाइटली कपल्ड है ना? टाइटली कपल्ड है ना यहां पे, ये टाइटली कपल्ड। हां हां यस सर, गॉट आपने इसको सेट गॉट इट गॉट बराबर ओके गॉट इट ओके इधर की टू टॉप सॉल्यूशन ओके। नाउ हाउ द स्प्रिंग कोड हैंडल दिस? अब क्वेश्चन ये आता है कि ये कौन करते बैठेगा, मतलब ये कौन खेलेगा। तो नाउ हाउ द स्प्रिंग कोर हैंडल, अब स्प्रिंग कोर इसे कैसे हैंडल करता है? अब क्वेश्चन ये, अच्छा देखिए अब इसका सबसे बेस्ट एडवांटेज है स्प्रिंग कोर का, ओके। तो स्प्रिंग कोर क्या करता है, यू डोंट डू एनीथिंग, मतलब आई एम कंप्लीटली क्रिएटिंग एंड लूजली कपल सिस्टम। स्प्रिंग कोर बहुत सारे डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए एनोटेशन देता है, एनोटेशन ओके। नाउ व्हाट आर दीज एनोटेशन, एक्चुअली है क्या, ये क्या करते हैं देखिए, annotations are the instruction to the compiler। annotation क्या है? अच्छा आप लोगों ने कभी directives सुना है? directives hash include करते हो बराबर, हाँ हाँ ने hash define C++ में, what are these? yes sir, वो sir macros क्या compile होने के macros type, तो आप क्या करते हो actually में कि आप प्री प्रोसेसिंग, याद रखना क्या डायरेक्टिव का प्री प्रोसेसिंग, मतलब के कंपाइल होने के पहले का काम। तो एक्चुअली डायरेक्टिव करते क्या है कि वो बोलते हैं कि क्या कि स्टार्ट होने के पहले इनको इंक्लूड करो एंड देन कंपाइलेशन स्टार्ट। फॉर एग्जांपल इफ आई एम डूइंग हैश इंक्लूड stdio.h तो पहले ये प्री प्रोसेस होगा उसके बाद में कंपाइलेशन स्टार्ट होगा ओके। तो एनोटेशंस आर आल्सो सेम, मतलब ये कंपाइलर को पहले इंस्ट्रक्शन देंगे भाई क्लियर करना है ओके। तो देयर आर डिफरेंट एनोटेशन, मतलब यहाँ पे अलग 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 एनोटेशन और इनके लिए हमें कॉन्फिग फाइल बनानी होती है। एनोटेशन के लिए क्या करना होता है, कॉन्फिग फाइल बनानी होती है अलग अलग टाइप। तो डिपेंड करता है मतलब आप कैसे कैसे डिपेंडेंसी इंजेक्शन करते हो ओके। तो हम इसको थोड़ा डीपली स्टडी करेंगे कि एक्चुअली होती क्या है, ये क्या होता है देख। तो सबसे पहला एनोटेशन है एट ऑटो वायर, एट ऑटो वायर ओके। Now, no need to create an object. For example, simply assume I want to create an object of employee. Employee. Okay. मुझे employee को object बनाना है. So I will not new it. मैं इसको new नहीं करूँगा. अगर new करूँगा तो फिर से dependency आ जाएगी. So what I will do?
at auto wire. Done. My object is created. Are you getting? कि कैसे ऑब्जेक्ट बन रहा है? कि मुझे कुछ नहीं करना है. I don't want to do anything. So what I am doing? मैं just उसको add auto wire किया. तो spring core by default इसका ऑब्जेक्ट बना लेगा. Now from where it will get the value? अब question ये है. समझो. चलो मैं आपको एक simple example देता हूँ. अच्छा थोड़ा complicated system है spring core का initial. तो आपको थोड़ा ध्यान देना है. मतलब कि आप question पूछो, आपके जो doubt है पूरा properly clear करो. इसका इशू ऐसा है ना कि अगर ये एक बार नहीं समझ में आएगा तो कभी नहीं समझ में आएगा. ठीक है. तो नाउ अज्यूम दिस इज बिग नंबर. नाउ दिस इज माय क्लास, क्लास ईएम. नाउ इट इज होल्डिंग सम प्रॉपर्टी, प्राइवेट इंटीजर ई नंबर, प्राइवेट string. Okay, now this is my class and it has some getters and setters. So chalo main kaam karta hu, comments mein likh deta hu getter and setter. Okay, this is my class. Okay, now I want to create the object of employee. So aap kya karoge? emp e is equal to new emp. Okay, fir aap kya karoge? e dot set नंबर कॉल करोगे, व्हाटएवर 101 एंड सो ऑन. जो भी आपको करना है आप करो. ओके, नाउ व्हाट एग्जैक्टली स्प्रिंग कोर सेज, डोंट न्यू योर ऑब्जेक्ट. आप कभी भी ऑब्जेक्ट को न्यू मत करो. ओके, सो इट प्रोवाइड्स द एनोटेशन. मैं क्या करूंगा, आई विल जस्ट डू इट लाइक दिस, ईएमपीई एंड आई विल से ऑटो वायर. अब ये मेरा ऑब्जेक्ट बन गया है. ओके, एंड Now from where I want to set the value? ये config file होती है, इसको कहते हैं bin file. क्या होती है? bin file. अच्छा मैं आपको ये बताता हूँ कि bin file होती क्या है. bin and config. Okay, so in Spring Core there is something called as a configuration. Okay, configuration. Okay, what exactly this configuration? Why it is used? सबसे पहला इसका use है to init an object. इसका सेकेंड यूज है टू अपडेट ऑब्जेक्ट. ओके, एंड इसका सबसे इंपॉर्टेंट यूज है फॉर आईओसी, मतलब इनवर्जन ऑफ कंट्रोल. ओके, तो ये इसके तीन यूज है. एक तो आप इससे ऑब्जेक्ट बना सकते हो, आप डायरेक्टली इनिट कर सकते हो. ओके, सेकेंड आप ऑब्जेक्ट के वैल्यू को अपडेट कर सकते हो, एंड थर्ड इट इज मेनली फॉर आईओसी, मीन इनवर्जन ऑफ कंट्रोल, दैट इज डिपेंडेंसी इंजेक्शन. Remember, IOC is a vast concept. IOC itself is a vast concept. मतलब IOC जो है ये बहुत बड़ा concept है. उसमें हमें सिर्फ dependency injection पढ़ना है. Okay? And Spring Core supports lots of features of IOC. इसमें बहुत सारे आते हैं, जैसे कि interceptor आता है. उसके बाद में एस्पेक्ट ओरिएंटेड आता है, AOP एक आता है, बट हमें जो करना है वो डिपेंडेंसी इंजेक्शन. नाउ हाउ दिस कॉन्फ़िगरेशन फाइल इज क्रिएटेड एंड हाउ इट ऑपरेट्स. तो देखो मैं क्या करूंगा, आई विल गो हियर एंड आई विल से दिस इज माय bin क्लास. सो आई विल एनोटेट इट विद bin. तो आपको अभी दो एनोटेशन पता चल गए. एक तो एट ऑटो वायर टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली. ओके, create an object automatically we use at auto wire, yaad rakhna. And second, to create any class and annotate it as bin, to wo bin class ho gayi. Jab bhi aap koi class ko annotate karoge bin se, to wo bin class ho gayi. Okay, now how the config file will look like. So dekho, aap samjho maine banaya emp dot, aap kuch bhi naam de do isko, aap xml का एक्सटेंशन XML होना चाहिए. ओके, बिकॉज इट इज अ XML फाइल. ओके, नाउ हाउ इट ऑपरेट. तो देखिए सबसे पहले इसका जो स्टार्ट होता है वो bin से स्टार्ट होता है, bin. एंड नाउ bin ये क्लोज होगा हमारा, bin क्लोज. ओके, नाउ आई वांट टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय. तो em bin इज इक्वल टू, ओके, से e. मैंने उसको आईडी दिया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट.
जब तक आईडी नहीं दोगे तो कुछ काम नहीं करेगा। एंड नाउ नेक्स्ट इज क्लास, आपको बोलते क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो फॉर्म डॉट एग्जाम्पल डॉट ईएमटी, समझो मुझे ईएमटी का ऑब्जेक्ट बनाना है। नाउ क्लोज ओके, अभी तक ये बीन क्लोज नहीं हुआ है, ओके अभी तक ये बीन क्लोज नहीं हुआ है। नाउ आई नीड टू सेट द प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टी ओके, तो नाउ प्रॉपर्टी इट्स नेम, नेम इज इक्वल टू प्रॉपर्टी, नेम इज इक्वल टू ओके, फॉर एग्जांपल माय प्रॉपर्टी नेम इज ई नंबर and value is equal to 101. So now close this property. ये पहला property set हो, okay? Now next I want to set the second property. Property name is equal to name and now its value, value is equal to x y. Now close. Get done. Now close your bin. Okay. तो दिस इज अ फॉल्ड एस कॉन्फिग फाइल, ओके अच्छा इसको कहते हैं कॉन्फिग फाइल। तो अगर आप इसको देखोगे तो एक जैसे लिख रहा है आपको, इसके अंदर हमने एक बिन बनाया है ईएमपी नाम का, उसका आईडी क्या दिया है ई, बिन का जो आईडी है वो ई है, क्लास इज इक्वल टू फॉर्म डॉट एग्जाम्पल डॉट ई ईएमपी, मतलब आपके ये क्लास का पैकेज है ईएमपी क्लास का, ईएमपी क्लास का पैकेज है। नाउ व्हेन आई से ईएमपी मैंने बना दिया एंड आई एम सीइंग ऑटो वायर एट ऑटो वायर डन, अब मेरा ऑब्जेक्ट बन चुका है ई नाम का और उसका वैल्यू है 101 एंड एक्स वाई। अच्छा एनी डाउट इन दिस एनीबॉडी? सर ये ई जो ऑब्जेक्ट का नाम ई है और यहाँ पर आईडी का नाम ई है, शुड बी सेम क्या? हाँ यस, तो इट डिपेंड्स ऑन द अगेन स्प्रिंग कोर वर्जन, मतलब उन्होंने क्या किया है, अगर आपको मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाना है तो उन्होंने आईडी पे गेम ये किया है, मतलब वहां पे कितना डिपेंडेंसी रखा हुआ है। अब समझो मुझे एक और ऑब्जेक्ट बनाना है ओके विद अ डिफरेंट वैल्यू, व्हाट आई विल डू, आई विल कॉपी दिस बिन एंड आई विल से ई1 एंड सपोज इट इज 102 एंड इट इज ई2। सो नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट एन एम्प्लॉय ई1 एंड आई विल एनोट इट ऑटो। तो ऐसे जितने भी ऑब्जेक्ट बनाने हैं हर एक की एंट्री होगी एक्सएमएल फाइल में। यस एक्सएमएल फाइल में एंट्री होगी। तो अब यहां पे क्या हो रहा है, मेरे दो डिपेंडेंसी आइटम ओके, आपने पूरी तरह से प्रोग्राम से डिपेंडेंसी निकाल दी। क्यों? अगर समझो कि मुझे एट रन टाइम मुझे ऑब्जेक्ट के वैल्यू चेंज करने, तो मैं जस्ट बोलूंगा यूजर को कि भाई एक काम करो ये बिन फाइल अपडेट। तो ये लिंक कैसे, अब लिंक कैसे करेंगे एक्सएमएल फाइल को? कौन सा मतलब लिंक? अच्छा ये कॉन्फिग फाइल में लोड होता है, मतलब इसका एक एप्लीकेशन होता है स्प्रिंग कोर एप्लीकेशन, वहां पे ये लोड होता है एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट को यूज करके, वो तो नेक्स्ट टाइम आएगा। मतलब एक्चुअली में मैं अभी आपको जस्ट डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू जा रहा हूं। ओके okay. तो हम ये एम्प्लॉय, हम लोग एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट कहीं भी बना सकते हैं, मतलब हां मतलब आप यही तो बनाओ, मतलब इसमें अपना ऊपर वाले एग्जांपल में ये क्लास बी हो गई, मतलब आप हाँ यस आप बोल सकते हो कि इसका क्लास बी, आपने ऑटो वायर दे दिया, आप समझो ऊपर ऊपर वाले एग्जांपल में क्लास, हाँ राइट, अब ये क्या हो गया क्लास बी हो गया। अब मैंने क्या किया बी 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 वन, अब मुझे ये क्रिएट करना है एट ऑटो वायर, मेरा ऑब्जेक्ट बन गया ऐसा। ओके तो डायरेक्ट कुछ ऐसा नो कंस्ट्रक्टर नीडेड, नो सेट बी नीडेड है ना सर, ना कोई कंस्ट्रक्टर की जरूरत है ना कोई सेट बी की जरूरत है, कोई चीज की जरूरत नहीं। तो आप इसको एक्चुअली में सेटर के थ्रू भी करते हैं, मतलब बहुत सारे लोग करते हैं सेटर वगैरह के थ्रू, बट ये बेस्ट एग्जांपल है। मतलब आप ऑटो, आप अगर आपने इससे किया ऑटो वायर से तो ये सबसे बेस्ट। तो इसमें फिर जितने भी प्रॉपर्टीज होंगे क्लास के वो सब देने पड़ेंगे एक्सएमएल फाइल में ना? नॉट नेसेसरी, अगर आपको कोई प्रॉपर्टी को नल रखना है तो आप छोड़ दो, अगर आपको प्रॉपर्टी देना ही नहीं है तो भी आप छोड़ सकते हैं। ओके अभी अगर मुझे इस B1 से कोई मेथड कॉल करना है तो आप कॉल कर सकते ना B1 डॉट
जो भी मेथड है, जो भी बी क्लास का मेथड है वो कॉल कर सकते हैं। बट दैट मेथड हैज टू बी पब्लिक ना? हां यस, इट हैज टू बी पब्लिक। हैज टू बी पब्लिक क्योंकि वो क्लास के बाहर यूज हो रहा है ना? यस एग्जैक्ट। हां, अगर सेम पैकेज में है तो इवन प्रोटेक्टेड विल आल्सो डू। यस ओके ओके सर, आई एम गेटिंग इट। एनी डाउट इन दिस? हाँ भाई, स्टूडेंट्स किसी स्टूडेंट को डाउट है, मतलब कुछ डाउट है, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कोई है? I'll send a fresh invite sir. हाँ राइट, मतलब एड ऑटो वायर का मतलब क्या हो गया? आपका ऑप्शन बन गया, अगर आपको प्रॉपर्टी चाहिए तो फिर आप एक्सटर्नल फाइल बना। ओके ओके, इट इज लाइक यस सर, आई यू कैन स्टार्ट, आई हैव मेड यू द एडमिन। मतलब ये तो हमारा, ये तो मतलब ये कैसे करना है हमें, एंड देन ओके नाउ देयर आर थ्री, मतलब कुछ चीजें ऐसी है जिसको आप ये भी कर सकते हो, मतलब वैल्यूड वाइज कर। ओके, सो नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ व्हाट वी कैन से ऑटो वायरिंग, मतलब आपके कंस्ट्रक्टर होता है और एक सेटर होता है। मैंने आपको पहले कहा कि ऑटो वायरिंग के डिपेंडेंस रिलेशन रिजॉल्व करने के दो तरीके, या तो आप सेटर यूज करो या तो आप क्या करो ऑटो वायरिंग, ये कंस्ट्रक्टर यूज करो। सो आई विल टेक सम एग्जांपल व्हाट एग्जैक्ट इज सेटर एंड व्हाट एग्जैक्ट इज, आई विल टेक अ सिंपल क्लास इज, ओके तो आपको समझ में आ जाएगा। नाउ अज्यूम इट हैज इंटीजर ए एंड इट हैज इंटीजर बी। ओके, नाउ आई वांट टू अचीव अ कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, मुझे कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन करना है, तो आई विल क्रिएट एन कंस्ट्रक्टर। ओके, एंड नाउ आई विल पास इंट ए कॉमा इंट बी। ओके, सो नाउ दिस डॉट ए इज इक्वल टू ए एंड दिस डॉट b is equal to b, my object created, okay? अब मुझे इसको handle कैसे करना है, मतलब what I will do, bin, आपने bin का XML बनाया, bin, okay? And then now id is equal to, आपको जो id देना है, say I will give it as a only, okay? And now class is equal to, this is very important. ओके, अगर आपने क्लास मिस किया तो उसको मैपिंग नहीं करने आएगा। फॉर्म डॉट एग्जांपल डॉट ई, ओके नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, तो क्लास का नाम, उसका नाम सेम है ऑब्जेक्ट का, अब कुछ इशू नहीं है सर, ऐसा मुझे। ओके तो चलो मैं एक काम करता हूँ, ओके नाउ इफ यू सी दिस क्लास दैट my A class, it is not having any setters and getters. Okay, assume if it is not having any setter, इसमें कोई setter है ही नहीं, तो अब मुझे auto wiring करना होगी, auto wire is equal to constructor, मुझे ये specify करना होगा। Are you getting? आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? देखिए, A I have created a class A which is having two properties in A and B. Now public A, I am providing a constructor with two parameters. Now what I am saying, this dot A is equal to A, this dot B is equal to B. Okay. Now this A class, it is not having any setter. इसके अंदर कोई setter property नहीं है. So what I will do, bin id is equal to A1, whatever you can give any id. Class is equal to, this is very important. Okay. And now auto wire is equal to constructor. I am saying auto wire is equal to constructor. अब मैं इसके properties को initialize कर सकता हूँ. Okay, property name is equal to a and then value is equal to something. Yes, a I am giving 10. Now close this. Now property name is equal to b and value is equal to say 20. So value also has to be a string, क्या? No, it can be anything. आप, it's a XML.
नो डिपेंडेंसी, आपको अगर स्ट्रिंग चाहिए तो स्ट्रिंग दो, इंटीजर चाहिए तो इंटीजर। नहीं मतलब ये ऐसा कोई फॉर्मेट है क्या, नेम इक्वल्स टू जो भी आएगा डबल कोट्स में, वैल्यू आएगा जो भी आएगा डबल कोट्स में, ऐसा कुछ है क्या? प्रॉपर्टी नेम हाँ तो मतलब क्या आपका वेरिएबल का नाम क्या है? ये फॉर्मेट है क्या, नेम इक्वल्स टू जो भी डबल कोट्स में और वैल्यू इक्वल टू जो भी डबल कोट्स में, ऐसा कुछ है क्या? अच्छा, वो समझ गया सर, वो समझ गया, यही फॉर्मेट है, फॉर्मेट। तो वैल्यू को डबल कोट्स में देने की जरूरत नहीं है, कंपलसरी नहीं है। सर ये जो कंस्ट्रक्टर लिखा है, कंस्ट्रक्टर उसका क्या मीनिंग हो रहा है? मतलब हमने उसको स्पेसिफाई किया कि आपको कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन करना, मतलब कंस्ट्रक्टर के थ्रू प्रॉपर्टीज पास कर। तो क्या, तो ये जो a और 20 है, ये 10 और 20 जो है, दिस विल गो थ्रू कंस्ट्रक्टर। हां यस, इट विल गो टू कंस्ट्रक्टर। ओके, अगर समझो मुझे कंस्ट्रक्टर नहीं, यहां पे सेटर लिख, सेट ए और सेट बी दो फंक्शन रहेंगे। कल हमारा जो टॉपिक होगा वो रहेगा डिपेंडेंट ऑटो वायरिंग, मतलब